Hello everyone, good morning students, welcome again. This class is for 8th standard student. In this class, I am going to discuss the chapter number 6, Combustion, Flame and Fuels. So students, आप लोग अपने साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. लास्ट वीडियो में हमने इसका आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, आज हम उसके आगे का पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे. सो बर्निंग ऑफ कंबशन, बर्निंग एंड कंबशन, ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे. टाइप्स ऑफ कंबशन भी हमने लास्ट क्लास में कवर अप कर लिया था. कंप्लीट कंबशन जिसमें सब्सटेंस पूरी तरीके से बर्न हो जाता है, इनकम्प्लीट कंबशन जिसमें ऐश रह जाती है, इन स्पॉन्टेनियस रैपिड एक्सप्लोजन में क्रैकर्स आ जाते हैं, पटाखे. तो ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली. अब हम नए टॉपिक पे जाएंगे आज की क्लास में. सो स्टूडेंट, अपने साइंस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए टू रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ योर वीडियो क्लास. और आप लोग जब कभी भी यूट्यूब में क्लास करेंगे साइंस की, हमेशा अपनी बुक अपने साथ रखेंगे, ठीक है? तो आप लोग चैप्टर नंबर 61 में आ जाइए. यहाँ शो कर रहा है चैप्टर नंबर 61, कंबशन, फ्लेम एंड फ्यूल्स. जिनके पास बुक नहीं है वो तो वो यहीं फोकस करेंगे. तो हम फ्लेम एंड इट्स स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं इसके आगे वाले पार्ट में. क्या दिया हुआ है? एवरीथिंग दैट बर्न्स डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम, ओनली सब्सटेंस दैट वेपराइज ड्यूरिंग अ बर्निंग गिव फ्लेम. ठीक है, सारे सब्सटेंस पे फ्लेम तो नहीं निकलता ना, कुछ सब्सटेंस में फ्लेम निकलता है बर्न होने में, ये तो हमने लास्ट क्लास में समझ लिया. पहला है केरोसिन राइजेस अप थ्रू द विक ऑफ अ स्टोव एंड वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग इट बर्न्स विद अ फ्लेम. ठीक है, तो केरोसिन जब आप स्टोव में भरा होता है तो उसमें से आग निकलती है. सेकेंड है व्हेन अ कैंडल बर्न, ठीक है, उसमें फ्लेम होता है. कैंडल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है, ये जो ऊपर है इसी को हम क्या कहते हैं? फ्लेम. यहाँ पे लिखा हुआ है इसी को हम फ्लेम कहते हैं. तो कैंडल में भी क्या होता है? फ्लेम होता है, ठीक है. फिर नेक्स्ट आ जाता है चारकोल. चारकोल डज नॉट वेपराइज एंड बर्न विदाउट द फ्लेम प्रोड्यूसिंग अ ग्लो. तो चारकोल क्या होता है? ग्लो प्रोड्यूस करता है. जैसे कि आप लोग एक एग्जांपल में ले सकते हैं कोयला. कोयला क्या होता है? उसमें एक आग सुलगती रहती है पर किसी भी तरह का फ्लेम नहीं होता, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ अलग तरीके से जलती है. कुछ फ्लेम देते हैं, कुछ सुलगते हैं, कुछ धुआं बहुत ज़्यादा निकालते हैं. यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है, ये देख लेते हैं. विक का क्या मतलब होता है? विक का मतलब होता है, यहाँ पे दिया हुआ है द विक. तो विक होती है जो कैंडल में पतला सा धागा होता है जिसमें आप आग लगाते हैं माचिस से, उसे हम विक कहते हैं. द विक ऑफ अ कैंडल डज नॉट बर्न इमिडिएटली व्हेन अ कैंडल इज लाइटेड बिकॉज व्हेन द वैक्स वेपराइज इट टेक्स हीट फ्रॉम द विक एंड कूल इट. विक ऑब्जर्व द लिक्विड वैक्स एंड पुल इट अपवर्ड टुवर्ड्स द टिप. हीट ऑफ द फ्लेम वेपराइजेज द वैक्स इन द इन दिस वैक्स वेपर दैट बर्न्स विथ अ फ्लेम. सो सिंपली हम कैंडल का स्ट्रक्चर समझेंगे, वो ऐसा होता है, ठीक है. ये जो पतला सा धागा निकला रहता है इसे हम क्या बोलते हैं? विक बोलते हैं. तो इसी में जब हम आग लगाते हैं तो यहाँ पे फ्लेम जल जाता है. तो वेपराइज भाप बनने के लिए धीरे धीरे क्या होता है, ये मोम पिघलता है और ये धागा भी जो होता है वो मोम में ही जुड़ा होता है और धीरे धीरे करके ये जल जाता है. यही बोला हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट में. उसके बाद प्रैक्टिकल टास्क नंबर 7 है टू अंडरस्टैंड द रीज़न वेरियस कलर शोन बाय LPG. ठीक है, LPG से वेरियस कलर शो होते हैं. कभी येलो शो होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे अपने घर की गैस में, ठीक है. कभी कभी ब्लू कलर, जब नया सिलेंडर होता है तो ब्लू कलर शो होता है. धीरे धीरे जब वो ख़त्म होने वाला होता है, सिलेंडर में गैस नहीं बची होती तो उसमें येलो कलर फ्लेम आने लगता है. ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं हम. सो यहाँ पे मेंशन है एयर होल्स ऑफ द बर्नर्स आर ओपन. आप जब गैस जलाते हैं आपको ऐसा ही दिखता है, ब्लू कलर की गैस दिखती है. एडजस्ट फॉर राइट अमाउंट ऑफ एयर बट इफ़ सम एयर होल्स आर क्लोज एनी हाउ द सप्लाई ऑफ एयर इज इनसफिशिएंट एंड द फ्लेम बिकम्स येलो. ठीक है, कभी कभी आप लोग देखेंगे गैस जब गीली रहती है तो आधा बर्नर जल जाता है, आधा नहीं जलता, तो उस टाइम पे फ्लेम कैसी होती है? येलो होती है और बहुत ऊपर तक उठती है ना. और अगर जैसे ही वो तुरंत सूखता है, ठीक है, वैसे ही वो उसकी फ्लेम क्या होती है? ऐसी ब्लू सी हो जाती है पूरी तरीके से. इस ऑल्सो गिव्स शोट
अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स. व्हेन वी कीप कंटेनर ओवर द बर्नर द बॉटम साइड ऑफ कंटेनर बिकम्स ब्लैक. अगर इस येलो के ऊपर रख देते हैं हम कढ़ाई, अगर आप लोग ने खाना बनाया होगा, आप लोग छोटे बच्चे हैं, आपकी मम्मी खाना बनाते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं, जब गैस गीली होती है तो आधी गैस जलती है तो उसमें से किसका लगा फ्लेम होता है, येलो कलर का. अगर आप उस फ्लेम में अपना कोई भी बर्तन रखेंगे तो वो नीचे से जल जाता है. ठीक है, येलो कलर ऑफ फ्लेम इज कॉज्ड बाय द ग्लो ऑफ हॉट अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस ड्यू टू द इनकम्प्लीट कम्बशन फ्यूल. तो इसके अंदर सही से अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, एयर नहीं पहुंच पाएगी, तो ये ऐसे ही जलता रहेगा येलो कलर का. और जैसे इसके सारे होल्स ओपन हो जाते हैं वैसे ही इसमें ब्लू कलर का गैस ओपन जल जाता है. फिर इसको प्रैक्टिकल टास्क नंबर 8 है, टू चेक द कम्बशन पैटर्न ऑफ वेरियस सब्सटेंस. तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कैसे जलती है, कैंडल कैसे जलती है, फ्लेम के साथ जलती है, चारकोल कैसे जलता है, ग्लो करता है कोयले की तरह, डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम बट इट प्रोड्यूसेस ग्लो, पेपर कैसा होता है, बर्न विद अ ब्लू फ्लेम एंड एटलीस्ट गिव्स स्मोक. ठीक है, पेपर क्या होता है, धुआं निकलता है उसमें, स्मोक निकलता है. क्लोथ बर्न्स विद येलो रेड फ्लेम. एलपीजी कैसा होता है, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. केरोसिन कैसा होता है, बर्न्स विद ब्लू फ्लेम. एलपीजी येलो तभी शो करता है जब उसमें कंप्लीट एयर पास नहीं होती. ठीक है, फिर उसके बाद आता है सोडियम, बर्न्स विद येलो फ्लेम. लकड़ी जब जलती है तो उसमें येलो फ्लेम निकलता है, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ने देखी हुई है. नाउ कैंडल फ्लेम कैसा होता है, ये भी अभी मैम ने आपसे डिस्कस किया, ये आपका दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कैंडल इज स्पिंडल शेप एंड हैज़ डिफरेंट कलर इन डिफरेंट रीजन्स. द फ्लेम हैज़ थ्री मेन जोन्स. तो यहाँ पे सिंपल सा कैंडल का डायग्राम दिया हुआ है. इसे हम देख लेंगे, यहाँ पे कैंडल तो ऐसी ही होती है, आप सबने देखी अपने लाइफ में, ऐसे ही जलती है. ये जो ये वाला पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे वाले पार्ट को वैक्स कहते हैं. और फिर ये जो फ्लेम जल रही है ये पतला सा थ्रेड है. ठीक है, इसे विक कहते हैं इंग्लिश में. डार्क जोन, अंदर वाले को डार्क जोन कहते हैं. यहाँ पे देख रहे हैं, इनर मोस्ट जोन ऑफ अनबर्न वैक्स वेपर इज ब्लैक. ठीक है, तो यहाँ पे डार्क जोन होता है. इट इज़ नो कम्बशन जोन एंड लीस्ट हॉट. इट कवर द एरिया सराउंडिंग द विक. ठीक है, विक को एक कवर करता है. कंटेनिंग अनबर्न वेपर प्रोड्यूस बाय द मेल्टिंग ऑफ वैक्स. इट इज़ द इनर मोस्ट जोन एंड वेपर ऑफ वैक्स डू नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीजन. ठीक है, इनर मोस्ट जोन जो होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसे हम डार्क जोन कहते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट है हमारा ल्यूमिनियस जोन. तो यहाँ डायग्राम में देख लीजिए आप लोग, ल्यूमिनियस जोन किसे कहा गया है. ठीक है, ल्यूमिनियस जोन मॉडरेटली हॉट होता है, कंप्लीट हॉट नहीं होता है. ऐसा क्यों है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रही है आपकी बुक. इट इज़ द जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन एंड मॉडरेट हॉट. सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट सो वैक्स वेपर डू नॉट बर्न कम्प्लीटली. ठीक है, जो ऑक्सीजन होता है वो कम्प्लीटली अंदर तक नहीं जाता है, सप्लाई नहीं हो पाती, इसलिए ये मॉडरेट हॉट होता है. इट लीव्स अ ब्लैक शूट. कार्बन पार्टिकल्स ग्लो इमिटिंग अ येलो लाइट. इट इज़ मिडल जोन ऑफ द फ्लेम. तो यहाँ पे जो मिडल जोन ऑफ द फ्लेम है, आप लोग एक मोमबत्ती जलाएंगे और फिर इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी. उसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनियस जोन. नॉन ल्यूमिनियस जोन किसको बोला गया, यहाँ पे देख लेंगे. हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है, सबसे जो ऊपर होता है ल्यूमिनियस जोन के, उसे हम नॉन ल्यूमिनियस जोन बोलते हैं. और जो कि हॉटेस्ट पार्ट है सबसे ज़्यादा, कंप्लीट कम्बशन टेक प्लेस इन दिस जोन. इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम. एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गिव्स ब्लू कलर ऑफ द फ्लेम. नो रेसिड्यू इज लेफ्ट इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन दिस जोन. इट इज़ द आउटरमोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम. ठीक है, ये तो आपने डायग्राम में देख लिया, आउटरमोस्ट जोन है ये फ्लेम का. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे स्टूडेंट्स आप लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे इस पूरे स्ट्रक्चर को. ठीक है, इसका प्रैक्टिकल तो आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. एक मोमबत्ती जलाएंगे और ये सारी चीज़ें नोटिस करेंगे उसमें. फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिकल टास्क नंबर 9, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम स्टडी किया है, तो उसके लिए आपको एक मोमबत्ती चाहिए, ग्लास लाइट चाहिए, कॉपर वायर चाहिए एंड पेयर ऑफ टंग्स. पेयर ऑफ टंग्स इसको बोलते हैं इसे, जिससे हम उसे पकड़ेंगे. ठीक है,
पॉइंट नंबर फर्स्ट, लाइट द कैंडल अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. अपने टीचर के सामने कैंडल जला लेंगे. अगर ये प्रैक्टिकल आपकी टीचर स्कूल में करवाती हैं तब ऐसा करेंगे आप. होल्ड द ग्लास लाइट विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टोंग्स. टोंग किसे बोलते हैं? इसे जो चीज़ें पकड़ने के लिए होती है उसे हम टोंग्स बोलते हैं. इससे आप ये क्या है, ग्लास लाइट है, इसको ऊपर लगा देंगे. किसके? मोमबत्ती के ऊपर लगा देंगे. और इसे कुछ देर बाद जब आप हटाएंगे, यहाँ पे देखिए कुछ देर तक आप लगाए रहेंगे फिर इसको हटा देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लैक कलर का स्पॉट आ गया ना इस लाइट पे. अब ब्लैक कलर, अ डार्क ब्लैक स्पॉट फॉर्म्स ऑन दिस लाइट. दिस स्पॉट विल बी इवन डार्कर ऑन द सेंटर एंड लाइटर ऑन द साइड्स. ठीक है, तो बीच में जो फ्लेम के ऊपर जस्ट एरिया होगा उसके ऊपर ये क्या होगा, ये स्लाइड क्या होगी, ज़्यादा डार्क होगी. ऐसी स्लाइड रहेगी, जो इसका बीच का एरिया होगा वो ज़्यादा डार्क होगा जो फ्लेम के एकदम जस्ट ऊपर होगा. स्लाइड कैसी होती है? कांच की बनी होती है और ट्रांसपेरेंट होती है. ठीक है, और जो उसके आसपास का एरिया है वो हल्का हल्का डार्क होगा, ये हम नोटिस करेंगे. ठीक है, तो ये क्या है, ब्लैक स्पॉट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कार्बन. ये क्या है, ये मोमबत्ती जलाने पे जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैं, और वो ऊपर जाके स्लाइड में क्या हो जाएंगे, लग जाएंगे जो इन्वायरमेंट में जाते. तो इसमें यही बताया गया है कि जो आपको मोस्ट कार्बन पार्टिकल्स है वो किस में रहेगा, स्लाइड के सेंटर में रहेगा, साइड साइड में बहुत कम पार्टिकल्स रहेंगे. नौ, यहाँ पे कॉपर वायर का एग्जांपल दिया है, तो ये आप लोग तो जब हायर क्लास में जाएंगे तभी परफॉर्म करेंगे. कॉपर वायर को आप उसी तरह पकड़ेंगे और फ्लेम में लगा देंगे तो क्या होगा, द हॉटेस्ट आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम टर्न्स द कॉपर वायर रेड हॉट. तो कॉपर वायर क्या होगा, थोड़ी देर में रेड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. नौ, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. इंटरेस्टिंग फैक्ट, सोने की दुकान में आप लोग देखते होंगे वहाँ पे ऐसे वर्क करते हैं. ठीक है, जब आप किसी ज्वेलरी की शॉप में जाएंगे जहाँ पे ज्वेलरीज मिलती हैं गोल्ड की मोस्टली, तो क्या होता है, गोल्ड इसमें ब्लोज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटलिक बो ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो जो सोनार की दुकान होती है वहाँ ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, दे यूज आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट एंड कैन मेल्ट द मेटल. ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटर मोस्ट जोन फ्लेम का यूज़ करता है फूक मार के, जिससे हमारा जो मेटल है वो मेल्ट हो सके. ठीक है, गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए या उसकी डिज़ाइन चेंज करने के लिए. फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो क्या है, फ्यूल्स. अ फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव आउट द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड एनर्जी. फूड इज फ्यूल फॉर आवर बॉडी, इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क. ठीक है, तो फ्यूल का क्या काम होता है ये आपको अच्छे से पता है. ठीक है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, डीजल पेट्रोल का यूज़ करते हैं हम गाड़ी चलाने के लिए. ठीक है, तो ये एनर्जी देता है किसी भी मशीन को और वर्क होता है उससे. फ्यूल में भी सॉलिड भी हो सकता है, वुड, कोल, काउडंग, इसका यूज़ करते हैं हम अपने, काउडंग का यूज़ करते हैं हम अपने खेतों में, आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा है. लकड़ियों का यूज़ करते हैं खाना बनाने में, पहले टाइम पे करते थे. लिक्विड में आ जाता है हमारा पेट्रोल, पेट्रोल से गाड़ियाँ चलती हैं. गैस आता है LPG, जैसे हम अपनी रसोई में यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल फ्यूल दिया हुआ है. ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट, ईजी टू स्टोर एंड सेफ टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, फ्यूल को क्या है, स्टोर करना ईजी है और सेफ है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना. इज़ इनएक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है. रेडियली अवेलेबल, फोर्थ नंबर पे है. डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस एंड ऐश. ठीक है, जो पेट्रोल है, धुआं है, इन सब में से राख तो नहीं निकलता, ये सब भी बर्न होते हैं फ्यूल, इसमें से कोई किसी भी तरह का राख नहीं निकलता है, बर्न सेफली. ठीक है, फिर इग्निशन टेम्परेचर इज अबव द रूम टेम्परेचर, इसलिए जब आप गाड़ी बहुत देर तक चलाते हैं तो थोड़ी देर में गर्म हो जाती है क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर जो हमारा रूम टेम्परेचर है उससे ज़्यादा होता है. एट नंबर पे है रेडियली कंबस्टिबल. एट नंबर पे है हाई कैलोरीफिक वैल्यू. 9 नंबर पे है प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास. इसके बारे में हम देख लेंगे क्या क्या होता है. कैलोरीफिक वैल्यू का टेबल यहाँ पे दिया हुआ है. देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ आइडियल फ्यूल. सम फ्यूल आर कॉस्टली, तो आप लोग ने देखा होगा
कि पेट्रोल जिसके रेट बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए पब्लिक हर रोज़ बोलती है, कुछ फ्यूल बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं, और वहीं अगर काऊ डंग की बात किया जाए या काऊ डंग केक्स की बात किया जाए वो बहुत ही चीपर है। फिर एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, फ्यूल एफिशिएंसी क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है ये दिया हुआ है, इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन कम्प्लीट कम्बशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है किसी भी चीज़ के कंप्लीट कम्बशन में, उसे हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या है, किलो जूल पर kg, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है kJ पर kg, किलो जूल पर kg इसकी क्या है SI यूनिट है। तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन दिस होल पैराग्राफ, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फ्यूल काउंटर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, 6000 to 8000। तो यहाँ पे सारे फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू दी हुई है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट फ्यूल्स प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट ऑन बर्निंग। तो ये तो आपको पता ही है कि अलग अलग चीज़ें जलने पे अलग अलग तरीके का हीट प्रोड्यूस करती हैं। मोमबत्ती को जलाएंगे तो वो स्मॉल अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करेगी, उसी जगह पे आप अगर केरोसिन डाल के या मिट्टी का तेल डाल के आप उसमें लकड़ी में आग लगा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम देगी ना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं, वो है हमारा पॉल्यूशन। इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो आप सबको पता है बहुत ज़्यादा अगर पॉल्यूशन होगा तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा इससे, ठीक है। गाड़ियाँ चलाने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जो उसका धुआं निकलता है ये तो आप सबको पता है। कार्बन फ्यूल्स लाइक बोथ कोल पेट्रोलियम, अब अगर लकड़ी भी जलाते तो उसमें से भी धुआं निकलता है, कोयला जलाते तो सुलगता है पर धुआं देता है, कोई ना कोई उस धुएं में गैस होती है, लाइक कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, अलग गैस मिक्स होती है जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। इसलिए कहते हैं आप लोग गाड़ी का कम यूज़ करिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करिए, ट्रैफिक लाइट पर अपनी गाड़ी को बंद कर दीजिए, उसे स्टार्ट करके मत रखिए, ठीक है, क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और तेल भी खर्चा हो रहा है, हमारा जो नेचुरल फ्यूल्स है वो भी खर्चा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इससे कौन सा डिजीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, अस्थमा, जो सांस की बीमारी है। अगर लगातार हम ऐसी डेंजरस गैस को अपने नाक से नोज से इनहेल करेंगे, सूंघेंगे, तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जो आजकल के लोगों में ज़्यादा देखी जा रही है, अस्थमा वगैरह। दिवाली में जब हम पटाखे चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, उस पॉल्यूशन से ऐसी डिजीज़ होती हो रही हैं लोगों को, बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, इसलिए दिवाली में पटाखे जलाना बंद हो चुका है, कम कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा उससे धुआं होता है। नाउ सेकेंड है इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल्स। अगर किसी भी तरीके लाइक लकड़ी गीली है, आप उसे आग लगा देते हो, पूरी तरीके से वो नहीं जल जाती, तो वो और ज़्यादा डेंजरस बन जाता है, या इनकम्प्लीट उसका कम्बशन है, पूरी तरीके से नहीं जल पा रहा है। जैसे कि एग्जांपल में दिया है, फ्यूल प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस। यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, जब इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो उससे पॉइजनस गैस निकलती है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, अंडरलाइन दिस पार्ट, इट इज़ वेरी पॉइजनस गैस, इट कैन किल पीपल बिकॉज इट फॉर्म्स अ स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, विथ हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैन नॉट बाइंड टू हीमोग्लोबिन, एज सच ब्लड बिकम डिफिशियंट ऑफ इन ऑक्सीजन कॉजिंग सफोकेशन एंड इवन दर्द, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, अगर आपने ऐसी गैस को इनहेल कर लिया है, ऐसी गैस आपके नोज से आपकी बॉडी में चली गई है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो इनकम्प्लीट कम्बशन से जाता है, अगर गया आपकी बॉडी में तो आपके हीमोग्लोबिन में रेड जो आप ऑक्सीजन लेते हैं वो आपकी पूरी बॉडी में जाता है, उसकी जगह आपका ये कार्बन वाला पार्टिकल चला जाएगा और इस कंडीशन में आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए बी केयरफुल, हर गैस अच्छी नहीं होती ह्यूमन के लिए। तो यहाँ पे क्या एडवाइस दिया है, वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ क्लोज रूम विद फर्निंग एंड, जब भी आप लोग को बताया गया होगा, आपकी मदर ने आपको बताया होगा कि लकड़ी को जला के या कोयले को जला के एक कमरा बंद करके उसमें कभी मत सोइए, क्योंकि उससे जो कार्बन निकलेगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, आउटर एनवायरनमेंट में आपके कमरे में भर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है और इससे
आदमी बीमार भी पड़ सकता है और इवन डेथ भी हो सकती है। नाउ पॉइंट नंबर थर्ड पे क्या दिया हुआ है, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट, इट इंक्रीज कंसंट्रेशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो क्या होता है, इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर जलाने से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो ग्लोबल वार्मिंग करता है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। फिर उसके बाद हम जाएंगे एन इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या दिया है, द अर्थ रिसीव हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। ठीक है, हीट एनर्जी सन से आती है, यहाँ पे दिया दिखाया हुआ है इस डायग्राम पे, ये सन है, इससे हीट आ रही है। हमारी जो आउटर लेयर है अर्थ के ऊपर, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर है जो भगवान ने बनाई रखी है, पहले से अर्थ में प्रेजेंट है, ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर देती है सनलाइट को वापस, लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस के होने के कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस की अगर बात करें तो फ्रिज में से CFC निकलता है, ठीक है, AC जब हम चलाते हैं तो उससे भी कुछ ऐसी गैस निकलती है जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये जो लेयर आउटर लेयर, ये धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रही है, थिन होती जा रही, पतली होती जा रही, जिसके कारण ये जो लाइट रिफ्लेक्शन है ये नहीं हो पाता है, और लाइट क्या होती है, जो लाइट अंदर नहीं आनी चाहिए वो भी लाइट अंदर आ जा रही है। इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, सम ऑफ द रेडिएशन आर अब्सॉर्ब बाय द अर्थ क्रस्ट व्हाइल द रेस्ट गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर। द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, दिस कॉजेस टेम्परेचर ऑफ अर्थ टू इंक्रीज। ठीक है, तो ऐसी गैस अंदर आ जा रही जिसे नहीं आना चाहिए, और आउटर लेयर का थिन होने के कारण क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट आने लग गई है। पहले टाइम पे इतनी गर्मी नहीं होती थी, पहले ज़माने में हमारे जो दादाजी थे उनके भी और पहले ज़माने में इतनी गर्मियाँ नहीं होती थी। धीरे धीरे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गाड़ियों का यूज़ कर रहे हैं, मोटर व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं, AC चलाते हैं, इन सब से ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जिसके कारण आउटर जो हमारा अर्थ है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, और इसके कारण हमारे अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा सनलाइट आ जाती है जिससे हम बीमार पड़ रहे हैं और हीट भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है हमारा अर्थ, तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस कॉज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू इंक्रीज, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ऑफकोर्स ज़्यादा हीट आएगी तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, एंड इट्स लेड टू ग्लोबल वार्मिंग, इसी से ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, खतरा बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए इस पार्ट को। अदर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, आर वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड मीथेन, ये सारी क्या कहलाती, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। फिर ग्लोबल वार्मिंग कैन लेड टू द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, तो आप लोग ने देखा होगा कि न्यूज़ में अक्सर सुना होगा कि हमारा जो ग्लेशियर है वो धीरे धीरे पिघलता जा रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट आ रही है, अगर वो पिघलेगा तो वो सारा क्या है, अगर बर्फ़ का पहाड़ पिघलेगा तो ऑफकोर्स पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जब सी लेवल बढ़ जाएगा तो फ्लड आ सकती है, बाढ़ आ सकती है, हमारे लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ में बी परमानेंटली सबमर्ज अंडर वाटर, जो कि अगर इसी तरह हमारा क्या है पहाड़, बर्फ़ का पहाड़ ग्लेशियर घुलता रहा हीट के कारण तो बाढ़ आ जाएगी, और जो लोअर एरिया है, जो समुद्र के किनारे छोटे छोटे शहर बसते हैं, वो डूब सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या दिया है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, तो जब हम कोल को या डीजल को बर्न करते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। ठीक है, पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैस गैशियस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन SO2 एंड NO2 डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप बिल्डिंग एंड सॉयल। ठीक है, तो एसिड रेन भी होते हैं हमारे यहाँ, कैसे होती है, जब हम बहुत ज़्यादा कोयले का या डीजल का इस्तेमाल करते हैं उसमें से कौन सी गैस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड, पेट्रोल इंजन से गिव्स ऑफ कौन सी गैसेस मिलती है, NO2, नाइट्रोजन, तो ये दोनों गैस मिलके क्या कराती है, ये हमारे एनवायरनमेंट में चली जाती है, और जब बारिश होती है उसके साथ मिल करके वापस से धरती में आ जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे एक साइकिल में देख सकते हैं कैसे हो रहा है, ये देखिए इंडस्ट्री है जिसमें से धुआं निकल रहा है ना,
तो ये कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ये हमारे एनवायरनमेंट में उड़ के ऊपर साइड गई है, बादलों के साथ मिक्स होकर वापस से पानी के साथ नीचे ज़मीन पर बरस गया। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, हमारे बिल्डिंग्स के लिए, खेतों के लिए, पेड़ों के लिए, क्योंकि ये एसिडिक रेन कहलाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये सारी गैसेस मिक्स हैं, तो जो पानी है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक एसिड है उसमें, और वो अगर हमारे खेतों में जाएगा तो एसिडिटी बढ़ा देगा, जिससे हमारी फसल ख़राब हो जाएंगी, और उस फसल को अगर हम खाएंगे तो हम भी बीमार पड़ जाएंगे, इवन बीमार पड़ के जाएंगे, बीमार पड़ रहे हैं, एसिडिक रेन बहुत सालों से हो रही है, जिसके कारण ह्यूमन हेल्थ धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो आप लोग को पता होगा कि पहले ज़माने में लोग इतना बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन आज के टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग गए हैं, वो इसलिए है क्योंकि एसिड रेन हो रही है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, इन सब के कारण ऐसा हो रहा है। नाउ NO2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, तो कैसे होता है, जो नाइट्रोजन है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रिक एसिड बना लेता है एंड सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, और यही हमारे क्या होता है बिल्डिंग्स में, ट्रीज़ में, यही सारी चीज़ें, जब एसिडिक चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट में बारिश के साथ आएंगी तो हमारा पेड़ खेत सब कुछ ख़राब हो जाएगा, इवन बिल्डिंग्स भी, आउटर पार्ट बिल्डिंग से ख़राब हो जाता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट क्या है, अर्लियर वुड वॉज यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल बट नाउ इट हैज़ बीन रिप्लेस बाय कोल एंड LPG। पहले ज़माने में हम लकड़ी का यूज़ करते थे, ठीक है, खाना वाना बनाने के लिए, आज के टाइम पे हम कोयले का, LPG का यूज़ करने लगे हैं। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड, ठीक है, बहुत जगह पे अभी भी गांव में लकड़ी का यूज़ किया जाता है। तो सब सिंपल चीज़ें हैं जो आपको पता है, ठीक है, तो लकड़ी को जलाने पे भी धुआं उठता है जो कि बहुत ही हार्मफुल है हेल्थ के लिए, उसे खांसी आती है बहुत ज़्यादा, इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, खांसी आएगी, आप सही से सांस नहीं ले पाएंगे अगर बहुत ज़्यादा आप लोग लकड़ी जलाने वाले एरिया में रहते हैं, धुआं बहुत ज़्यादा अगर आपके अंदर जाता है। इससे जो दूसरा मेन कॉज हो रहा है वो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है हमारे इन्वायरमेंट में, क्या हो रहा है, पेड़ों की कटिंग होती जा रही है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लकड़ी काट काट के उसको जलाएंगे तो डिफॉरेस्टेशन होगा, हमारे जंगल कम होंगे जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। अगर जंगल कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हमारी लाइफ कैसे चलेगी, विदाउट ऑक्सीजन लाइफ तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें जंगल नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। आप लोग ने देखा होगा सब जगह लिखा रहता है सेव पेपर सेव ट्रीज, पेड़ों को बचाइए। नाउ सिक्स पॉइंट पे क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल बाय माइनिंग हैज़ मेड अवर माउंटेन हॉलो, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पहाड़ को काट दिया जाता है, एज अ रिजल्ट दे हैव बिकम वीक एंड आर अनेबल टू बियर द प्रेशर ऑफ हैवी रेन्स रिजल्टिंग इन फ्लड एंड लैंडस्लाइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा पहाड़ों को काटने के कारण ये जो हमारे घर में मार्बल्स वगैरह लगते हैं ये सब पहाड़ को घिस के बनाया जाता है, तो आप पहाड़ काट के इसे ऐसे यूज़ करेंगे तो ये भी हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे अलग तरीके का बैलेंस बना हुआ है, इससे एयर जो है अगर आपने इतना पहाड़ काट दिया तो एयर इस डायरेक्शन में नहीं आ पाती थी, आने लग जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, लैंडस्लाइड हो सकती है। आप लोग ने देखा होगा इसे न्यूज़ में, पहाड़ों में से मिट्टी सरक जाती है और सरक के पूरी नीचे आ जाती है और पहाड़ भी गिर जाता है, ठीक है, तो ये इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पहाड़ जो है वो वीक होते जा रहे हैं। तो फ्यूल्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस बट दे आर एक्सेसिव एंड केयरलेस यूज़ कैन बी हार्मफुल एज वेल एज, तो फ्यूल तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है आज के टाइम पे, अगर LPG है तो हम आसानी से किचन में जाते हैं, लाइटर से गैस जलाते हैं और खाना पका लेते हैं। अगर लकड़ी की बात किया जाए तो लकड़ी है, उससे पहले ज़माने में खाना पका लेते थे। उसके बाद अगर हम बात करें पेट्रोल वगैरह की, तो गाड़ियाँ तो चला रहे हैं हम, लेकिन साथ साथ में धुआं निकल रहा है, तो हम सीधी सी बात कर सकते हैं कि हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे वो सब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए डेंजरस है, हार्मफुल है, पॉइजनस है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उन सब से क्या निकल रहा है, एक चीज़ वो है पॉल्यूशन, ठीक है, पॉल्यूशन, और ऐसा धुआं जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है और पॉइजनस है और हमें बीमार करता जा रहा है और हमारे पूरी अर्थ को भी बिगाड़ रहा है, उसका संतुलन बिगाड़ रहा है। आप लोग पेड़ काटते जा रहे हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा काट रहे हैं और जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिले हुए हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, फिजूल का यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर देते हैं, पानी को वेस्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ काट लेते हैं, पेड़ काट देते हैं। धीरे धीरे अगर हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो ह्यूमन लाइफ क्या होगी, खतरे में चली जाएगी। तो क्या है, हमें अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखना है, आपको कम से कम एनर्जी का यूज़ करना है, ठीक है, वी मस्ट यूज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, कैटालिटिक कन्वर्ट फिटर इन कार्स रिमूव द हार्मफुल केमिकल प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट गैसेस, ठीक है, वी मस्ट सेव इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट व्हेन नॉट इन यूज़,
यूजिंग लेस इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस द पॉल्यूशन फ्रॉम पावर प्लांट। ठीक है, तो हमें कम से कम लाइट का यूज़ करना चाहिए, हमें पानी बचाना चाहिए। तो आप सबको ये पॉइंट्स पता है, सारे क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन बी केयरफुल, क्योंकि अगर ऐसे ही हम चीज़ों का इस्तेमाल करते रहे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें क्या होंगी, हमारे एनवायरनमेंट से ख़त्म हो जाएगी। तो पानी का कम से कम इस्तेमाल करिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। ठीक है, लकड़ी को पेड़ को ना काटें, आप लोग कोशिश करें बिल्कुल भी कट ना करें उसे। पेट्रोल का भी कम यूज़ करें, अगर आसपास के एरिया में जाना है तो आप पैदल चले जाइए, ज़रूरी नहीं है हर जगह जाने के लिए हम लोग मोटर बाइक्स का या व्हीकल्स का यूज़ करें। सो स्टूडेंट्स, आज ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है, इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सारे कीवर्ड्स के जो पॉइंट है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए है इस क्लास में, एसिड रेन वगैरह क्या होती है। सो थैंक यू।